तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक समय में इंसान और मॉन्स्टर मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन इंसान इस धरती पर हुकूमत करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मॉन्स्टर के साथ युद्ध किया और उन्हें यहाँ से भगा दिया। तो उन मॉन्स्टर्स को ना चाहते हुए भी अपना घर छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा और उन्होंने इंसानों से दूर जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाई जहाँ वो आराम से रह सकते थे। मगर कुछ दिनों के अंदर ही उन मॉन्स्टर्स के राजा को एक बुरे मॉन्स्टर ने मार डाला, जिससे वो मॉन्स्टर्स का नया राजा बन गया। और इसके बाद उसने वहाँ के मॉन्स्टर्स पर जुल्म किया, साथ ही उसने पहले वाले राजा की वाइफ को मारने के लिए अपने कुछ मॉन्स्टर्स भेजे। वहीं रानी प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन रास्ते में उन्हें वो मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं जिन्हें उस बुरे राजा ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। मगर रानी के बॉडीगार्ड उस मॉन्स्टर को एक एक करके मार देते हैं और उसके बाद रानी इंसानों के बीच आकर रहने लगी। रानी का मानना होता है कि उसका होने वाला बेटा इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच की दूरी खत्म करेगा, जिसके बाद इंसान और मॉन्स्टर्स एक बार फिर से साथ रहने लगेंगे। इसके बाद हम सॉन्ग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ गांव में रहता था। सॉन्ग की दादी उसे बताती है कि उसके फादर एक बहुत अच्छे मॉन्स्टर हंटर थे, लेकिन सॉन्ग उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए उसकी दादी उसे एक तलवार देती है। मगर सॉन्ग उसे खिलौना समझकर फेंक देता है। फिर कुछ देर बाद उसकी दादी उसके फादर को ढूंढने चली जाती है, मगर सॉन्ग इससे नाराज था क्योंकि उसके फादर उसे और दादी को छोड़कर यहाँ से चले गए थे। कुछ देर के बाद सॉन्ग अपने ढाबे पे आता है जहाँ पे एक कपल आए हुए थे, तो सॉन्ग उनके लिए खाना बनाने जाता है और तभी ढाबे में एक लड़की आती है जो कि मॉन्स्टर हंटर थी। वो आते ही उस कपल पर हमला कर देती है और फिर हमें पता चलता है कि वो कोई कपल नहीं बल्कि वही रानी के बॉडीगार्ड्स थे। और थोड़ी देर बाद रानी भी बास्केट से बाहर आती है और तभी वो लड़की रानी के बॉडीगार्ड्स को पीटती है। फिर वो जैसे ही उन मॉन्स्टर को पकड़ने वाली थी तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर हंटर आता है जो रानी के बॉडीगार्ड्स को पकड़ लेता है। वहीं रानी वहाँ से अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग जाती है, जिसके बाद वो हंटर भी वहाँ से चला जाता है। वहीं वो लड़की ये सब देखती ही रहती है, लेकिन अब उसे उस मॉन्स्टर हंटर पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो हंटर वहाँ से बहुत दूर चला गया था इसीलिए वो लड़की उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। इसीलिए वो सॉन्ग के साथ ही उस ढाबे पर रुक जाती है। रात को सोते टाइम वो लड़की सॉन्ग को रस्सी से बांध देती है और साथ ही उसके होठ भी मैजिक से चिपका देती है ताकि वो शोर ना कर सके। इधर रानी के बॉडीगार्ड मॉन्स्टर हंटर से खुद को आजाद करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सॉन्ग को सोते हुए रानी अपने साथ ले जाती है जहाँ वो सॉन्ग को अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताती है और साथ ही वो सॉन्ग को अपने बच्चे का ख्याल रखने को कहती है। लेकिन सॉन्ग अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखकर हैरान था क्योंकि उसने आज तक किसी मॉन्स्टर को नहीं देखा था। फिर रानी अपने पेट से अपना बच्चा निकालकर सॉन्ग के मुंह में डाल देती है और तभी वहां पर किलर मॉन्स्टर आ जाता है। तो रानी उससे लड़ने लगती है, मगर वो मॉन्स्टर रानी पर काफी भारी पड़ रहा था। पर तभी वहां पर वही लड़की आती है और वो उस किलर मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। वहीं सॉन्ग रानी के पास जाता है, मगर रानी को उस मॉन्स्टर ने काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब वो लड़की भी किलर मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती थी, इसीलिए वो सॉन्ग को लेकर वहां से भागने लगती है। ये देखकर वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करता है, लेकिन तभी वो लड़की सॉन्ग को लेकर एक सुरंग के अंदर चली जाती है। तो उनके पीछे वो मॉन्स्टर भी आने की कोशिश करता है, मगर सुरंग के छोटे होने के कारण वो मॉन्स्टर बाहर ही फंस जाता है। थोड़ी देर के बाद लड़की सॉन्ग के साथ उसके घर पर आती है जहाँ वो सॉन्ग का बड़ा हुआ पेट देखकर हंसने लगती है। उसके बाद वो कहती है कि हम इस मॉन्स्टर के बच्चे को बेच देंगे और उससे आए हुए पैसे वो दोनों मिलकर बांट लेंगे। ये प्लान सॉन्ग को काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो लड़की के साथ व्यापारी को ढूंढने जाते हैं जिसके पास वो उस मॉन्स्टर के बच्चे को बेचेंगे। लेकिन उन दोनों को बहुत दूर जाने पर भी कोई व्यापारी नहीं मिलता, साथ ही वो दोनों अब काफी थक चुके थे, इसीलिए वो दोनों अपने पास के एक होटल में जाते हैं जहाँ रानी के बॉडीगार्ड इंसानों के रूप में सॉन्ग पर नजर रखे हुए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सॉन्ग रानी के बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगा। कुछ देर के बाद वो लड़की सॉन्ग को उसके कमरे में छोड़कर बाहर खाने आती है, मगर उसके जाने के बाद रानी के बॉडीगार्ड वहाँ पर आते हैं और वो सॉन्ग को अगवा करने की कोशिश करते हैं। मगर तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है, तो वो लड़की अपने मैजिक से उन दोनों को अपने वश में कर लेती है जिसके बाद वो उन दोनों को एक कबर्ड में बंद कर देती है। लेकिन अब सॉन्ग के पेट में काफी दर्द होने लगा था, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर वो लड़की परेशान हो जाती है। तभी उस कमरे के बाहर से एक कपल गुजर रहे थे जो सॉन्ग के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, तो वो लेडी कमरे के अंदर झाँक कर देखने लगती है। मगर तभी वो लड़की बाहर आती है ताकि वो उस कपल को कमरे के अंदर आने से रोक सके।
लेकिन अब सॉन्ग का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए वो चिल्लाना बंद नहीं कर पाता, जिससे उसके चिल्लाने की आवाज वो लेडी सुन लेती है। इसीलिए वो जल्दी से सॉन्ग के पास आती है और तभी सॉन्ग के मुंह से एक मॉन्स्टर का बच्चा बाहर आता है जो देखने में बहुत क्यूट था। लेकिन मॉन्स्टर को देखकर वो लेडी शॉक हो जाती है, मगर तभी उस लेडी के पास वो लड़की आकर उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद उस लेडी का हस्बैंड भी वहां पर आ जाता है, लेकिन उस लेडी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो अभी देखा वो सपना था या हकीकत। वहीं उस कपल का शैतान बच्चा उस क्यूट मॉन्स्टर को देख लेता है जो कि दूसरे कमरे में था। वो बच्चा उस मॉन्स्टर को देखकर उसे परेशान करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर सॉन्ग आकर उस बच्चे को रोकता है। अब वो लड़की सॉन्ग के साथ उस क्यूट मॉन्स्टर को लेकर होटल से कहीं दूर आ जाती है, जहां वो देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार होता है। इसीलिए वो लड़की और सॉन्ग उस क्यूट मॉन्स्टर की देखभाल करने लगते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। साथ ही सॉन्ग अब उस मॉन्स्टर को हंसाने के लिए अपना मुंह बना रहा होता है, जिससे उस मॉन्स्टर को अब सॉन्ग का साथ काफी अच्छा लगने लगा था। वो लड़की नोटिस करती है कि क्यूट मॉन्स्टर ने अभी तक कुछ भी खाया नहीं था। वो लड़की एक मॉन्स्टर हंटर थी, इसीलिए उसे अच्छे से पता था कि मॉन्स्टर अपने खाने में खून पीते हैं। इसीलिए वो क्यूट मॉन्स्टर को सॉन्ग को देती है, जिसके बाद वो सॉन्ग को काटकर उसका थोड़ा सा खून पी लेता है। कुछ देर के बाद सॉन्ग कुछ फलों को तोड़कर जब वो लौटकर लड़की के पास आता है, तो वो देखता है कि उस क्यूट मॉन्स्टर ने उनके घोड़ों का खून पी लिया है, जिससे वो घोड़े अब काफी कमजोर पड़ गए थे। और ये देखकर उस लड़की को उस मॉन्स्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो सॉन्ग उस मॉन्स्टर को शाकाहारी बनाने के लिए उसे खजूर खिलाता है, जो वो मॉन्स्टर बड़े मजे से खा रहा था। और सॉन्ग ये देखकर उसे बहुत ज्यादा खजूर खिला देता है, लेकिन ज्यादा खजूर खाने की वजह से वो मॉन्स्टर उनकी गुठलियों को अपने मुंह से बहुत तेज स्पीड से बाहर निकालता है, जिससे उनके सामने वाली झोपड़ी टूट जाती है। ये देखकर वो लड़की और सॉन्ग हैरान थे। इसके बाद वो दोनों उस मॉन्स्टर को लेकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ बीच में वो दोनों उस मॉन्स्टर के साथ खूब खेलते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। अब उन दोनों को भी उस मॉन्स्टर के साथ रहना अच्छा लगने लगा था, साथ ही वो क्यूट मॉन्स्टर भी उनसे काफी अटैच हो गया था। मगर वो लोग उस जगह पे अब पहुंच जाते हैं जहां वो उस व्यापारी को ढूंढने आए थे जो उस क्यूट मॉन्स्टर को खरीदेगा, और अब वो दोनों उस व्यापारी से मिलकर क्यूट मॉन्स्टर को कुछ सोने के सिक्के के बदले में बेच देते हैं। लेकिन सॉन्ग उस मॉन्स्टर को अपने से दूर नहीं करना चाहता था, मगर वो लड़की उसे समझाती है कि मॉन्स्टर इंसानों के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए हमें उसे यहीं पर छोड़ना होगा। तो सॉन्ग ना चाहते हुए भी उस लड़की की बात मान लेता है, जिसके बाद वो उसे एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और वहां से दुखी होकर चले जाते हैं। तो वो क्यूट मॉन्स्टर उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो पिंजरे को छूता है तो उसे करंट लगता है। दरअसल उस लड़की ने पिंजरे पर मैजिक किया था ताकि वो मॉन्स्टर वहां से भाग ना सके। उनके वहां से जाने के बाद वो मॉन्स्टर जोर जोर से रोने लगता है। इधर लड़की वहां से जाते हुए अपने बैग में एक कपड़े को देखती है, जिसमें उस मॉन्स्टर ने लड़की और सॉन्ग को अपने पेरेंट की जैसी पेंटिंग की थी। ये देखकर सॉन्ग और लड़की और भी दुखी होते हैं, इसीलिए वो दोनों उस क्यूट मॉन्स्टर को छुड़ाने का सोचते हैं। तो वो दोनों वापस उस व्यापारी के पास जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि अब उस मॉन्स्टर को एक होटल भेज दिया गया है, जहां आज बहुत बड़ी दावत होने वाली है जिसमें मॉन्स्टर्स को पकाकर खाया जाएगा। ये सुनकर वो दोनों परेशान होने लगते हैं और वो बिना कोई वक्त गवाए सीधे उस होटल में जाने लगते हैं। वहीं हम उसी होटल का सीन देखते हैं, जहां एक लेडी बावर्ची एक मॉन्स्टर को काटकर प्लेट में सजाती है, और इसके बाद बारी अब उस क्यूट मॉन्स्टर की थी, लेकिन उसे काटने के बजाय वो उसे गर्म तेल में डाल देते हैं। मगर वो मॉन्स्टर वहां पर तैरने लगता है, उस गर्म तेल में भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। वहीं उस होटल में रानी के बॉडीगार्ड अपना रूप बदलकर घुस जाते हैं, साथ ही अब वो लड़की और सॉन्ग भी वहां पर पहुंच चुके थे। इधर वो लेडी बावर्ची क्यूट मॉन्स्टर को तेल में तैरता हुआ देखकर काफी हैरान हो रही थी। फिर वो क्यूट मॉन्स्टर को काटने की कोशिश करती है, मगर इसमें भी वो असफल रहती है, इसीलिए वो उसे जिंदा ही परोसने के लिए दावत में भेज देती है। वही लड़की और सॉन्ग रसोई में पहुंचते हैं, जहां सॉन्ग को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और इसीलिए वो उसे छुड़ाने लगता है। लेकिन तभी उन पर पीछे से कोई हमला करता है, जिससे सॉन्ग बाल बाल बचता है। फिर उन्हें पता चलता है कि जो उन पर हमला कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उस रसोई का सिपाही है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, और अब वो उन दोनों को अंदर जाने से रोक देता है। मगर क्यूट मॉन्स्टर को बचाने के लिए वो दोनों मिलकर उस सिपाही से लड़ते हैं, जिसके आखिर में वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस सिपाही को मार देते हैं। उसके बाद वो वहां के मॉन्स्टर को पिंजरे से आजाद कर देते हैं, और इस तरफ रानी के बॉडीगार्ड अपने असली रूप में आ गए थे, और तभी वहां पर वो हंटर भी आ गया था, जिससे वो दोनों बचकर यहां तक आए थे। तो रानी के बॉडीगार्ड उसे समझाते हैं कि हमें किसी को अभी बचाना है, मगर हंटर उनकी एक नहीं सुनता और उन दोनों पर हमला कर देता है। तो रानी के बॉडीगार्ड उससे लड़ते हैं, लेकिन तभी वो लिफ्ट टूटकर हंटर के ऊपर गिरने वाली थी, मगर सही वक्त पर रानी के बॉडीगार्ड उसे बचा लेते हैं। ये देखकर हंटर को बहुत दुख होता है,
क्योंकि उसने हमेशा मॉन्स्टर को मारने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने उसकी जान बचाई। वहीं इधर दावत में क्यूट मॉन्स्टर को लाया जाता है, जिसे देखकर हंटर किंग कहता है कि हम इस मॉन्स्टर का दिमाग खाएंगे, जिससे हमारी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। साथ ही वो क्यूट मॉन्स्टर को शराब पिलाने की बात करता है। अब वो एक कीड़े को क्यूट मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ देता है ताकि वो कीड़ा उसका दिमाग खोल सके, मगर तभी वहां पर वो लड़की और सॉन्ग आ जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। इसी बीच सॉन्ग उस क्यूट मॉन्स्टर को छुड़ा लेता है, तो लड़की उसे लेकर वहां से जाने को कहती है, मगर सॉन्ग उसे अकेला छोड़कर यहां से जाना नहीं चाहता था। लेकिन तभी हंटर किंग चालाकी से अपने मैजिक से उस लड़की को कैद कर लेता है, और तभी एक धमाकेदार एंट्री से वहां पर सॉन्ग की दादी आती है, जिनके पास 10 सिक्के थे। ये देखकर हंटर किंग समझ जाता है कि दादी ने मॉन्स्टर हंटिंग में महारत हासिल की है। अब उसकी दादी वहां पर मैजिक करने लगती है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं रहती, जिसे देखकर वो हंटर किंग समझ जाता है कि दादी उन्हें बेवकूफ बना रही है, क्योंकि उनके पास जो सिक्के थे वो असल में उनके नहीं बल्कि उसकी फैमिली के थे। इसीलिए हंटर किंग उसकी दादी को भी बड़ी आसानी से पकड़ लेता है, और वो सॉन्ग को क्यूट मॉन्स्टर को लेकर उसके सामने आने को कहता है, नहीं तो वो उन दोनों को मार देगा। मगर सॉन्ग ने उस क्यूट मॉन्स्टर को बहुत सारे खजूर खिला दिए थे, और तभी उसका हाथ उस मॉन्स्टर के मुंह पर से हट जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से बहुत तेज रफ्तार से खजूर की गुठलियां निकलती है, जिससे सॉन्ग हवा में उड़ने लगता है। लेकिन उस क्यूट मॉन्स्टर के हमले से हंटर किंग का एक एक करके चेहरा निकलने लगता है, और वो अपने असली रूप में आ जाता है, क्योंकि असल में वो वही मॉन्स्टर होता है जो रानी को मारना चाहता था। वो अपना साइज काफी बड़ा करके उन सब पर हमला कर देता है, तो सॉन्ग की दादी उसके पापा की जंग लगी हुई तलवार देती है, जिससे उसके डैड ने काफी सारे मॉन्स्टर को मारा था। अब उस तलवार से सॉन्ग उस बड़े से मॉन्स्टर पर हमला करता है, मगर मॉन्स्टर उसी तलवार से सॉन्ग को जख्मी कर देता है। सॉन्ग को घायल देखकर वो लड़की बहुत परेशान होने लगती है, और वो गुस्से में उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। और इसी बीच सॉन्ग के पास वो क्यूट मॉन्स्टर आता है, जो सॉन्ग की ऐसी हालत देखकर काफी दुखी होता है। लेकिन फिर वो उसके अंदर से उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, जिससे उसकी हाथ भी कट जाती है, मगर वो जैसे तैसे करके उस तलवार को सॉन्ग के अंदर से बाहर निकाल देता है, जिससे वो भी काफी जख्मी हो गया था। लेकिन तभी सॉन्ग के घाव अचानक से भरने लगते हैं, और साथ ही उसके डैड की वो जंग लगी तलवार चमकने लगती है। वहीं वो मॉन्स्टर उस लड़की को अपने पैरों से कुचलने ही वाला था, पर तभी सॉन्ग तलवार लेके आता है और उसे उस मॉन्स्टर के पैरों में घुसा देता है, और इसके बाद वो बड़ी आसानी से अपने एक हमले से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। ये देखकर उसकी दादी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने पहली बार आज किसी मॉन्स्टर को मारा था, और इसीलिए दादी उसे एक सिक्का देती है, क्योंकि वो भी अब एक मॉन्स्टर हंटर बन गया था। इसके बाद सॉन्ग क्यूट मॉन्स्टर को लेकर एक जगह पे आता है, जहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स थे। सॉन्ग उस क्यूट मॉन्स्टर को उनके बीच वहां पर छोड़ने आया था, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, मगर वो क्यूट मॉन्स्टर सॉन्ग को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन सॉन्ग उस पर गुस्सा करता है, ताकि वो उसे छोड़कर अपने लोगों के साथ जा सके। सॉन्ग के गुस्सा होने से वो क्यूट मॉन्स्टर काफी दुखी होता है, और फिर वो दुखी मन से अपने लोगों के साथ चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।